पास भी कोई ऐसी जादुई चीज होती, हम घर बैठे होते और वो जादुई चीज हमारे लिए पैसे आकर्षित करती, बहुत सारे पैसे हमें देती और हम अपने घर बैठे बैठे करोड़पति अरबपति बन जाते। कैसा लगा सुनकर? अच्छा लगा ना? अच्छा लगना चाहिए। यदि यह बात सुनकर आपको बुरी लगती है या अजीब लगती है, नहीं लगनी चाहिए, आपको ये बात सुनकर अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि धन को आकर्षित करने का पहला नियम यही है कि आप बार बार ये बोलें कि हाँ मेरे पास धन है, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं बहुत सुखमय हूँ, मैं संपन्न हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ये धनवान होने का प्रथम लक्षण है। कभी यह ना कहे मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं पहले भी भिखारी था, मैं अभी भी भिखारी हूँ, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, है ना, ये सब लोकल शब्द में बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास एक रुपया नहीं है, मेरे पास नमक रोटी खाने के पैसे नहीं। ये सारे शब्द बोलकर आप अपने पास से लक्ष्मी को भगाते हैं, दरिद्रता को बुलाते हैं। इसीलिए हमेशा कहिए कि मैं करोड़पति हूँ, और नहीं हूँ तो हो जाऊंगा। करोड़पति होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग करोड़पति हैं और जो नहीं है, उनके बीच ज्यादा असमानताएं नहीं है। दोनों समान है, दोनों खूबसूरत है देखने में, दोनों के पास दो दो हाथ, दो दो पैर, एक मस्तिष्क है, दो आंखें हैं। क्या नहीं है? एक छोटी सी जानकारी, उसी जानकारी से एक करोड़पति हो गया और एक साधारण से इंसान है। दो लोगों ने दुकान खोली, एक अपने दुकान में नोट छाप रहा है, उसे पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, मॉर्निंग टू नाइट वो एक किस्म बाजार कर रहा है, सामान बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, और रात को इतने पैसे वो कमा ले रहा है कि वो हैरान रह जा रहा है कि मैं एक छोटी सी दुकान से इतना कैसे कमा रहा हूँ। दूसरे ने दुकान खोली, उसे कुछ पता है नहीं, सुबह से शाम तक मक्खियां मारते हैं, अकेले बैठते हैं, काश माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, हमारे भी सामान बिक जाए। अर्थात एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच केवल थोड़ी सी जानकारी का अंतर होता है। इसलिए कमी आप में नहीं है, कभी खुद में कमी मत ढूंढिए। आज आप सामान्य व्यक्ति है, कल अमीर बन जाओगे, उसके बाद करोड़पति बन जाओगे। और यदि खानदान में एक व्यक्ति भी सफल हो गया, समृद्ध हो गया, बुद्धिमान हो गया, तो अपने समस्त खानदान को खींच लेता है ऊपर, सबको संपन्न कर देता है। इसलिए हार नहीं मानना है, घबराना नहीं, और ये जो धन की समस्या है ना, इससे हार माननी नहीं, माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है। आपको बात समझ में नहीं आ रही थी, आपके पास जानकारी नहीं थी, चलिए ये वीडियो आपके सामने आ गया, मेरा चैनल आपके सामने आ गया, थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं करती हूँ आपका। और मैं कौन हूँ मार्गदर्शन करने वाली? वो तो परमात्मा की इच्छा है, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं हूँ कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे लिखने मात्र से हर दुविधा सुविधा में बदल जाए। यदि ये वीडियो पहली बार आपके सामने आया है, मेरा चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो जो भी भाई बहन पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो प्रयत्न कर रही हूँ मैं आपके लिए, वह प्रयत्न पहुंचे सीधे आप तक। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी जानकारी और आप अमीर बन सकते हैं। वही एक छोटी सी दुकान आपको करोड़ों रुपए का मालिक बनाएगा। घर में ताने नहीं पड़ेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, पत्नी भी खुश रहेगी, हर जरूरत पूरी होगी, आप पर लाखों का कर्जा क्यों ना हो, कुछ चंद महीने में आप उसे तोड़ देंगे जो बरसों बरस से जिस कर्ज को आप तोड़ नहीं पाए थे। अपने नाम का बड़ा घर हो, चाहे घर के सामने बड़ी महंगी गाड़ी हो, जो भी स्वप्न आपने देखा था, वह स्वप्न अब आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। उपाय तो बहुत है, मेरे चैनल पर आप यदि विजिट करेंगे तो छोटे छोटे से ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे अनगिनत सफलताएं मिलती है, खास करके पैसे को आकर्षित करने की, धन को आकर्षित करने की। क्योंकि सौ बात की एक खड़ी बात, इस जमाने में बाकी सब चीज सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे पहले पैसा होना चाहिए। आप पैसा है तो सुंदर भी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है क्योंकि आप धनवान है, आपके घर के परिवार के सदस्यों का सबका स्वभाव बहुत अच्छा है क्योंकि आप अमीर है, और यदि आप कंगाल है, आपके पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारा नेचर बहुत खराब है, यही बोली के कारण से तुम कंगाल हो, तुम देखने में ठीक नहीं लगते, क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, तुम्हारी दुकान बेकार है, ऐसे अनगिनत बातें आपको सुनने को मिलेंगी यदि आपके पास धन नहीं है। अर्थात सौ बात की एक बात, धन ही आपकी खूबसूरती है। तो चलिए सबसे पहले खूबसूरत बनते हैं, फिर दुनिया जीत लेते हैं। आज आपको उन कई
उपायों में से एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो रोज डेली मर्रा में आपके सामने होती है परंतु आप उसे पहचान नहीं सकते। यदि वो मिल जाए तो तुरंत उसे घर ले आए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। कहते हैं ना, इसके घर में अचानक से ऐसी कोई चीज आ गई जो उसके घर का वास्तु बदल गया, लाखों लाख रुपए इसके घर आने लगे जहां ये लोग कंगाल थे। ऐसी कहानियां हम बहुत सुने होते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास की सोसाइटी में। तो चलिए उस इतिहास का एक हिस्सा आपको भी बनाती हूँ। यदि मुझे फोटोग्राफ्स मिल जाए तो मैं फोटो लगा दूंगी, नहीं तो समझ लीजिए एक नींबू होता है, एक मुख्य नींबू। नींबू या तो दो ही होते हैं, या तो नींबू पुरुष होता है या तो महिला होती है। जो महिला नींबू होती है उसमें रस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत, और जो पुरुष नींबू होते हैं वो कड़े होते हैं, दाने उसमें बहुत होते हैं, रस नहीं निकलता। अर्धनारेश्वर नींबू अर्थात एक मुखी नींबू, नींबू की पहचान कैसे करें? नींबू को ध्यान से आप उठाएंगे तो नींबू में आधी नींबू तक एक लकीर होगी, नींबू के प्रथम छोर से दूसरे छोर तक आधी नींबू में एक लकीर होगी, लेकिन वो लकीर काले रंग की नहीं होगी, वो लकीर किसी खांचे की नहीं होगी, वो लकीर नींबू के चमड़े से बनी हुई उठी हुई लकीर होगी। किसी चीज जैसे कोई प्लास्टिक के खिलौने पर एक और एक्स्ट्रा लाइन होती है वो प्लास्टिक से ही बनी होती है, वैसे नींबू की जो पीठ होती है, चमड़ी होती है, उसी से एक मोटी सी रेखा बनी हुई होगी। आप नींबू पर ऐसे उंगली फेरेंगे तो उस रेखा के पास आपकी उंगली अटक जाएगी, आपको ऐसे क्रॉस करके जाना होगा। समझ में आ गई? हाफ नींबू पर एक मोटी सी लाइन बनी होगी जो नींबू से ही बनी हुई होगी। अब जब नींबू की ढेर में जाएंगे ना, ढूंढेंगे, चुपचाप से ढूंढ लेना, वरना सामने वाले को पता चल जाए तो नींबू आपको देगा ही नहीं, चुपचाप से ढूंढ लेना। एक मुखी नींबू कहते हैं उसे, वो अर्ध नारेश्वर नींबू होता है, साक्षात माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित खींचने वाला। मिल जाए चुपचाप से उठा लेना। शुक्रवार को खरीद सको तो बहुत अच्छा, ना खरीद सको तो कोई बात नहीं, सब दिन कोई दिन खरीद लेना, जिस दिन नजर चल जाए खरीद लेना, जिस घड़ी नजर चल जाए खरीद लेना। जाना अपने पूजा रूम में, आंखों से उसे लगाना, प्रथम धो लेना, गंगा जल से धो लेना, पवित्र कर लेना, इसे एक देवी स्वरूप समझना, मस्तक पर लगाना, नमन करना, हाथों पे लेकर कहना कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और मैं जानता हूँ कि आप ही वो मनी मैग्नेट है, आप ही वो आकर्षण क्षमता है आप में कि मेरे लिए 10 लाख रुपए मिनटों में आप जुगाड़ कर देंगे, मिनटों में आप आकर्षित कर देंगे। अब कहना, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे बेटे को विदेश भेजना है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे अपने नाम का घर बनाना है, 40 लाख रुपए चाहिए मुझे, और आप ही हैं जो मुझे 40 लाख रुपए देंगे, ऐसे नमन करना, और वो जो एक रेखा खींची हुई है उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना, हल्दी और कुमकुम का उस रेखा पर तिलक लगाना, और कुछ मत करना, ऐसे ओपन रखना, कपड़े में मतलब बैठना, कोई चीज में नहीं। यदि व्यापारी वर्ग के हो अपने गले में रख देना, नौकरी वोकरी करते हो तो जहाँ पर पैसे रखते हो, कमा कर आते हो कहीं तो पैसे रखते होंगे, वहां रख देना। महिलाएं करेंगी, वो जहाँ पे छुपा के रखती होंगी कुछ पैसे, जहाँ वो धन रखती हो वहां रख देना। ये मनी मैग्नेट है साक्षात, ये उसी दिन से धन को खींचना प्रारंभ कर देगा, और इतना धन खींचेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि चमत्कारिक रूप से इतने पैसे मेरे घर में कहां से आने लगे। ये एक मुखी नींबू का कमाल होता है, बहुत सारे लोगों के घर में छुपे रूप से होते हैं और धन बरसता है उनके यहाँ, पता ही नहीं चलेगा आपको कितने पैसे कैसे आ रहे हैं। तो जहां मिले छोड़ना मत, ले आना, और मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना यदि ये नींबू आपको मार्केट में मिल रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।